नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन अग्रवाल, एमबीबीएस एमडी जनरल मेडिसिन में किया हूँ। वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल के तहत कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पास किया हूँ। हावड़ा में आईएलएस हॉस्पिटल से अटैच्ड हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन और उसका डायबिटीज में क्या इंटरेक्शन है। आरएसएसडीआई, तो हमारी डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन की कमेटी है, वो ये बोलती है कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन एक दूसरे को साथ में लेकर चलते हैं। अगर डायबिटीज किसी को है तो ये चांसेस है कि 50% पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाता है, या किसी को हाइपरटेंशन है तो उनको 50% चांस है शुगर या ब्लड डायबिटीज होने की। इसलिए हमें अपना ख्याल रखना चाहिए, डायबिटीज और हाइपरटेंशन अगर किसी को है तो उसको रेगुलर बेसिस पर हम लोग को चेक करना चाहिए, चेक करके उसका ऑप्टिमल मेडिसिन को लेना चाहिए और उसको एक दूसरे को हेल्प करके कंट्रोल करना चाहिए, जिससे वो शुगर और प्रेशर दोनों ही कम रहे। आरएसएसडीआई की गाइडलाइन के हिसाब से अगर ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 रहता है, मतलब सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। ये प्राइमरी हाइपरटेंशन भी हो सकता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन भी हो सकता है, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन भी हो सकता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसमें पेशेंट को कुछ पता नहीं चलता है लेकिन प्रेशर को ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, इसमें कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी होती है, वो हम लोग को डिटेक्ट करना पड़ेगा। और रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन उसे कहते हैं जिसको ब्लड प्रेशर की दवाई देने के बाद भी ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल नहीं रहता। अगर देखा जाता है कि जिन लोग को प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी रहती है, उन लोग को हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, इंड ऑर्गन डैमेज होने की चांसेस बहुत बेसी रहती है। और देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर के लिए हमको 24 घंटा मॉनिटरिंग करना चाहिए और 24 घंटा एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना चाहिए। ब्लड प्रेशर का टारगेट हमें मालूम होना चाहिए और ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए। ब्लड प्रेशर हम लोग नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीके से भी हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे सोडियम कम लेना, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना, ये सब कर सकते हैं। अगर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ना होने के मतलब लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को मेंटेन करते हुए भी अगर ब्लड प्रेशर बेसी रहता है तो ब्लड प्रेशर की दवाइयां हमें लेनी चाहिए। आज की डेट में जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां अवेलेबल है वो एआरबीज है, सिलनेडिपिन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, बीटा बीटा ब्लॉकर्स है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग कैन भी ये हम लोग एक दूसरे को दे सकते हैं, साथ में बीटा ब्लॉकर्स भी हम लोग दे सकते हैं। हमें जो भी दवाई देनी है, आइदर इट इज द एसी इनहिबिटर और बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वट एवर ड्रग इज गिवेन, लेकिन पेशेंट को रेगुलर बेसिस पर दवाई लेना चाहिए, रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए और ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए। साथ में अगर कोमॉर्बिड कंडीशन अगर है पेशेंट को, अगर शुगर है, प्रेशर है, शुगर है, डिसलिपिडिमिया है, उसका भी ख्याल रखना चाहिए और उसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।